अच्छा तो देखो भाई, अगर आप एक रेगुलर यूज के लिए जीरो बैलेंस वाली अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता है पूरी मार्केट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की छोड़ के कोई दूसरी बैंक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आप इस बैंक में जैसे ही अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पे आप इंस्टेंट मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग को कंप्लीट यूज करेंगे और गई जो आपकी एटीएम कार्ड चेकबुक और पासबुक है ये सारी आपकी एड्रेस पे कंप्लीट डिलीवर्ड होती है और गई यूपीआई की जितनी सारी ऐप है जिसे फोन पे गूगल पे पेटीएम आप इन सारी ऐपों को अकाउंट ओपन करने के बाद ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि आपको अपनी अकाउंट की केवाईसी करने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच में विजिट नहीं करनी होगी। आप घर बैठे आप अपनी मोबाइल फोन या लैपटॉप से बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और गई इस बैंक के साथ सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आपकी पास्ट में कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है यानी कि गई क्रेडिट कार्ड की दुनिया में अगर आपकी शुरुआती दौर है तो ऐसे में आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे और यहाँ पे 1 से 2 मंथ आप इस अकाउंट को कंप्लीट यूज करेंगे तो यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की ऑफर करती है। आप बिना किसी इनकम प्रूफ बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आप इस कार्ड को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो फाइनली गई देर किस बात की, चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम सीख लेते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम घर बैठे कैसे एक जीरो बैलेंस वाली अकाउंट ओपन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दे रखा है, फाइनली गई आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप उस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे गई आपको एक खूबसूरत लड़की देखने को मिलेगी यानी कि गई यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट को ओपन करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो मोबाइल नंबर आप अपनी अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं और वही मोबाइल नंबर आपकी आधार कार्ड से भी लिंक हो, क्योंकि गई यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है बहुत ही आसानी से ओपन हो जाती है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट की ऑप्शन मिलती है, फाइनली गई आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइनली आपके मोबाइल नंबर पे कंप्लीट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ओटीपी पिन सेंड की जाती है, उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर ली जाती है। इसके बाद गई यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपकी पैन कार्ड की नंबर मांगी जा रही है, फाइनली गई आपकी पैन कार्ड की जो भी नंबर है आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। आप अपनी पैन कार्ड की नंबर जैसे ही फिल करते हैं यहाँ पे आपकी पैन कार्ड के ऊपर जो भी नेम है आपको कंप्लीट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपकी पैन कार्ड को कंप्लीट वेरीफाई कर ली गई है। अब गई यहाँ पे आपको एक कन्फर्म की बटन मिलेगी, फाइनली गई यहाँ पे आप कन्फर्म वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखिए गई अगले स्टेप में यहाँ पे आपसे आपकी आधार कार्ड की नंबर मांगी जा रही है। अब देखिए दोस्तों आपकी आधार कार्ड की जो भी नंबर होगी फाइनली गई आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। इसके बाद गई यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी, फाइनली गई आप इस बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और इनकी टर्म एंड कंडीशन को कंप्लीट आप एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद गई यहाँ पे आपको जो है गेट आधार ओटीपी की ऑप्शन मिलेगी, फाइनली गई आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों आपकी आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगी फाइनली गई उस मोबाइल नंबर पे आधार केंद्र की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी पिन सेंड की जाती है, उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। आधार ओटीपी आप जैसे ही फिल करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी आधार ओटीपी को वेरीफाई कर ली जाती है। अब देखो यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, दूसरी एफटीप के अंदर यहाँ पे आपको अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और तीसरे एफटीप के अंदर यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। यहाँ पे आप जो है एड डिटेल्स वाले ऑप्शन पे एक बार आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखो भाई आप जैसे ही एडेड डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी प्रोफाइल फोटो, यहाँ पे आपकी कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पे आपकी जेंडर, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपकी आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले ली जाती है। यहाँ पे आपको अपनी मैरिटल स्टेटस बतानी है, यदि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो यहाँ पे आप सिंगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यदि आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे आप मैरिड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यदि आपकी शादी हो गई है और आप अपनी वाइफ को यहाँ पे डाइवोर्स दे रखे हो तो फाइनली गेज उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है, फाइनली गेज आप अपने हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट कर लेना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी जा रही है यानी कि गेज आप अपनी अकाउंट में जो भी ईमेल आईडी लिंक करना चाहते हैं फाइनली गेज यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी फिल करेंगे। इसके बाद गेज यहाँ पे आपको एक सबमिट डिटेल्स की ऑप्शन मिलती है, फाइनली गेज यहाँ पे आप सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अब देखिए गेज यहाँ पे अगले स्टेप में आपसे आपकी फैमिली की डिटेल्स मांगी जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने फादर की नेम फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपनी मदर की नेम फिल करेंगे। इसके बाद गई यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप अपनी अकाउंट में किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पे नॉमिनी बनाना चाहते हैं, यानी कि गई मान के चलिए कि आगे चल के आप जो है किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहे
तो आपकी जो भी अकाउंट की पैसा है अगर आप चाहते हैं कि वे किसी दूसरे व्यक्ति को मिले तो यहाँ पे आप एस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इस सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी सबमिट डिटेल्स की, फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों अगले स्टेप में यहाँ पे आपकी आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है यहाँ पे आपको कंप्लीट दिखाई जा रही है, आप इसे एक बार वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे नीचे आपसे पूछी जा रही है कि आप अपने अकाउंट में इसी एड्रेस को लिंक करना चाहते हैं, तो फाइनली आप एस कीप सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मान के चलिए कि अभी आपके आधार कार्ड में किसी गांव की एड्रेस है और आप जो है किसी शहर में आके बस चुके हो और आप अपने शहर की एड्रेस आप अपनी अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी नो इट्स डिफरेंट की, फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक न्यू एड्रेस फिल करने की ऑप्शन मिलेगी, फाइनली आप अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे और नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी अपडेट एड्रेस की, फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपसे ऑक्यूपेशन डिटेल्स मांगी जाती है, फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने स्टूडेंट, सैलरीड, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत सारी ऑप्शन आती है, फाइनली यहाँ पे आप अपने हिसाब से आप अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गई यहाँ पे बैंक जो है आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछती है, यानी कि गई आपकी एक साल में कितना रुपया यहाँ पे इनकम होती है। मिनिमम यहाँ पे आपको 2.5 लाख की ऑप्शन मिलेगी और यहाँ पे मैक्सिमम आपको 1 करोड़ तक की ऑप्शन मिलती है। फाइनली आपकी यहाँ पे जो भी एनुअल इनकम है आप अपने हिसाब से कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नीचे में गई यहाँ पे आपको FATCA की यहाँ पे डिक्लेरेशन देखने को मिलती है, आप इसे कंप्लीट चेक करेंगे और यहाँ पे आपको एक सबमिट डिटेल्स की ऑप्शन मिलेगी, फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखिए गई यहाँ पे हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे हम अपनी कंप्लीट एड्रेस डिटेल फिल कर लिए हैं। इसके नीचे यहाँ पे हम अपनी ऑक्यूपेशन डिटेल्स भी कंप्लीट फिल कर दिए हैं। इसके नीचे हमें यहाँ पे कंटिन्यू की बटन मिलती है, फाइनली यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए गई यहाँ पे आपके सामने AU बैंक की एक सेविंग अकाउंट देखने को मिलती है, जो AU डिजिटल सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको एवरेजली मंथली बैलेंस यहाँ पे 0 रुपया पर मंथ मेंटेन करके रखनी है, यानी कि ये अकाउंट जो है बिल्कुल 0 बैलेंस के साथ ओपन होती है। इस अकाउंट के साथ आपको जो है इंश्योरेंस कवर की फैसिलिटी मिलती है। साथ में गई यहाँ पे बताया गया है कि 25% डिस्काउंट के साथ आपको इस अकाउंट के साथ जो है एनुअल लॉकर की फैसिलिटी उपलब्ध है। गई और भी इस अकाउंट के साथ डिटेल्स में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिटेल्स की ऑप्शन मिलेगी, फाइनली आप डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस अकाउंट के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। हमें गई इस अकाउंट को ओपन करनी है तो हमें यहाँ पे चूज दी अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अब देखिए गई यहाँ पे अगले स्टेप में आपसे फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है, आप अपनी अकाउंट में अगर फंडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है बहुत ही आसानी से फंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे गई आप जितना रुपया ऐड करेंगे 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, फाइनली ये सारी अमाउंट आपकी अकाउंट में जाएगी। अगर आप अपनी अकाउंट के साथ फंडिंग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है 0 रुपया के साथ ओपन होती है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। और गई यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करनी है, आपकी जो ये एप्लीकेशन है यहाँ पे कम्प्लीट प्रोसीड हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने कंप्लीट 10 रुपया अपनी अकाउंट के साथ ऐड किया था, जो कि गई मेरी अकाउंट में यहाँ पे कंप्लीट रिसीव हो चुकी है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरी अकाउंट के साथ यहाँ पे सर्विस क्या क्या मुझे मिलती है। अच्छा तो देखिए गई यहाँ पे हमें कंप्लीट बताया जा रहा है कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आपको 1 रुपये की प्लेटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है। साथ में गई हमें फ्री यहाँ पे 25 पेज की चेकबुक प्रोवाइड की जाएगी। इसमें हमें यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी, यहाँ पे UPI यूज करने की फैसिलिटी, हमें FIR फैसिलिटी मिल रही है। फाइनली हमें यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने अकाउंट की कंप्लीट KYC करनी है, जो कि गई यहाँ पे लास्ट प्रोसेस होती है। यहाँ पे आपको कंप्लीट बताया गया है कि यहाँ पे आपको अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ पे एक व्हाइट पेपर और ब्लू पेन यहाँ पे आप अपने साथ में रखेंगे। देखिए गई यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे आप किसी से भी यहाँ पे वीडियो कॉल पे बाबू सोना करके बात करते हैं सेम गई वही प्रोसेस है। लेकिन गई यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैंक की एक्टिविटी रहेंगे तो आप अपनी बातों की यहाँ पे थोड़ा सा मर्यादा में रख करके यहाँ पे बात करेंगे और यहाँ पे आप अपनी अकाउंट की कंप्लीट KYC कराएंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं लाइव अपनी KYC करके दिखाता हूँ। इसके लिए आप जो है इनिशिएट वीडियो कॉल वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। थोड़ी सी वेट करने के बाद यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो भी एक्टिव होंगे अकाउंट ओपन करने के डिपार्टमेंट के उनके साथ आपकी कॉल कनेक्ट होती है। यहाँ पे गई आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है, उसके बाद आप अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड को आप अपने कैमरे के माध्यम से वेरीफाई कराएंगे। इसके बाद आपको एक व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से यहाँ पे लाइव सिग्नेचर करके इसे वेरीफाई करानी है।
साथ में गई आपकी एक प्रोफाइल को कैप्चर की जाती है, तो आप यहाँ पे कैमरे की तरफ देखेंगे। और गई यहाँ पे एक चीज की ध्यान रहे कि आपकी फेस पे यहाँ पे लाइटिंग की कंडीशन जो है ठीक ठाक होनी चाहिए। तो फाइनली गई इतनी सारी एफटीप में आपकी अकाउंट की कंप्लीट केवाईसी जो है सक्सेसफुल हो जाती है। देखिए दोस्तों ईमेल से जो है आपकी वीडियो केवाईसी तुरंत होने के बाद ही नहीं मिलती है, किसी किसी को यहाँ पे टाइम लगती है। जैसे कि मुझे जो है यहाँ पे इस मैसेज को रिसीव होने में लगभग यहाँ पे 30 मिनट लग गई थी। तो यहाँ पे फाइनली आपको जो है 30 मिनट या फिर 1 से 2 घंटा यहाँ पे वेट कर लेनी है। आपको कंप्लीट मैसेज के माध्यम से आपकी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। इसके बाद गई यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो भी मोबाइल बैंकिंग ऐप होती है, फाइनली गई आप प्ले स्टोर से इसे कम्प्लीट यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन के अंदर कम्प्लीट इंस्टॉल होती है। उसके बाद यहाँ पे इस एप्लीकेशन के साथ कम्प्लीट आप लॉगिन होंगे और यहाँ पे कम्प्लीट आप जो है मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप किस प्रकार से अपनी अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पे लाइव मैंने प्रोसेस करके दिखा दिया। देखिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर इस पे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट एंड पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं।